जय हिंद, मेरा नाम स्वाति विश्वकर्मा, मैं गौतम IAS एकेडमी जबलपुर से हूँ। आज हम यहाँ पे मुगल्स में एक टॉपिक है आपका शेरशाह सूरी, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो एक टॉपिक है, ना केवल MPPSC बल्कि हमारे और भी जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी आपका हमारे काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी एक अफ़गान थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। उनके पिता हसन खां, जो कि जौनपुर रियासत के एक ज़मींदार हुआ करते थे, उन्हीं के समकालीन दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे जिनका नाम था आपका बहार खां लोहानी। शेरशाह सूरी जो थे बहार खां लोहानी के यहाँ पे कार्य किया करते थे। शेरशाह सूरी ने आपका बाबर के समय आपका जो चंदेरी का युद्ध हुआ और जो घाघरा का युद्ध हुआ उसमें इन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया। जब इन्होंने आपका चंदेरी के युद्ध में पार्टिसिपेट किया तब इन्होंने देखा कि जो मुगल्स हैं उन्हें आसानी से आपका हराया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए आपका बहुत सारी उन्हें रणनीति, सैन्य व्यवस्था, इन सभी को आपका स्ट्रॉन्ग करना था। इसी उद्देश्य से आगे जाके जब वो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ पे कार्य कर रहे थे, उसी समय बहार खां लोहानी जब शिकार के समय जाते हैं तो उस समय रहते हैं इनके साथ आपका कौन, फरीद खां। तो जो शेर को मारने के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां का नाम दिया। तो अब फरीद खां किस नाम से फेमस हो गए, शेर खां के नाम से फेमस हुए। शेर खां आगे यहाँ पे जब शेर खां के समय जब इसने अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा तो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, जैसे कि इनके पास एक सैन्य प्रशासन नहीं था, दूसरी चीज़ यहाँ पे इनके पास साम्राज्य नहीं था, और दूसरा ये बहार खां लोहानी के अधीन कार्यरत थे। बहार खां लोहानी की डेथ के बाद इन्होंने बहार खां लोहानी की वाइफ दूदो बेगम से शादी की और दक्षिण बिहार के सूबेदार बन गए, और यहीं से वो धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। जैसे कि इन्होंने बंगाल के सूबेदार को हराया, साथ में इन्होंने 1939 तक आते आते चुनार का किला, जो कि सामरिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, उसको भी इन्होंने अपनी हासिल कर लिया। इसी समय जब ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे शेर खां, उन्हीं के समकालीन एक मुगल शासक थे हुमायूं, तो दोनों के आपसी हित आपस में टकराने लगे। इसी टकराव के कारण यहाँ पे ये दोनों 1539 में चौसा नामक प्लेस पर आके मिलते हैं, जहाँ पे एक तरफ होते हैं आपके शेर खां, वहीं पे दूसरी जगह होते हैं आपके हुमायूं और शेर खां के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजय मिली और वहीं पे शेर खां जो थे वो आपका उनको जीत हासिल हुई। इसी समय चौसा के युद्ध के समय इन्होंने शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण की, तो अब इनका नाम यहाँ से शेरशाह हो जाता है। हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कि जो शेर खां हैं उनका नाम शेरशाह कब पड़ा या किस युद्ध के बाद, तो याद रखिएगा कि चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने अपना नाम शेरशाह रख लिया। नेक्स्ट है आपका 1534 का आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध ये भी शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध को रिजल्टेंट वॉर कहा जाता है, या फिर इसे हम निर्णायक युद्ध के रूप में आपका देखते हैं, क्योंकि इसी युद्ध ने शेरशाह सूरी के साम्राज्य की स्थापना का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो पूरा का पूरा बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध को जाता है, क्योंकि बिलग्राम के युद्ध ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य या सूर वंश की स्थापना की। तो यहीं पे शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य या सूर वंश की स्थापना की, और इस तरीके से शेरशाह सूरी का जो शासनकाल हम देखते हैं वो होता है आपका 1540 से 1545 के मध्य, और इस तरीके से उत्तर भारत में सूर वंश की स्थापना हुई। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था शेरशाह सूरी के मध्य। अब जैसे MPPSC मेंस की अगर हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी को व्यवस्था सुधारक के रूप में आपका पूछा जाता है, या फिर MPPSC या कोई भी प्रिलिम्स या किसी भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है वन लाइन फैक्ट में कि व्यवस्था सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है इतिहास में, तो व्यवस्था सुधारक के रूप में शेरशाह सूरी को जाना जाता है।
अब यहाँ पे व्यवस्था सुधारक के रूप में तो इसे सिद्ध भी करना पड़ता है कि इन्होंने किस तरीके से जब ये शासक बनते हैं, रूलर बनते हैं, तो इन्होंने अपनी सभी व्यवस्थाओं में क्या सुधार किए। तो फर्स्टली देखते हैं यहाँ पे इन्हें एक व्यवस्था सुधारक के रूप में। अब ये जो शेरशाह सूरी थे, ये व्यवस्था सुधारक के रूप में तो थे, एक साम्राज्य विस्तारक भी थे, एक कुशल प्रशासक भी थे, और इन्हें अकबर का पूर्व गामी भी कहा जाता है। सबसे पहले इनके हम साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था, तो हम देखें अगर कि जब वो शासक बने, इन्होंने उत्तर भारत में सूर्यवंश की जब स्थापना की, तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि यदि मुझे अपने साम्राज्य को सुसंगठित करना है और यदि मुझे अपने साम्राज्य की रक्षा करना है, तो सबसे पहले जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है जहाँ से विदेशी आक्रमण होते हैं या कोई भी खैबर पास को आसानी से क्रॉस करके भारत में एंटर कर सकता है, इसी समय इन्होंने सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा को आपका क्या किया, मजबूत करने के लिए यहाँ पे रोहतासगढ़ का किला बनाया। तो इन्होंने अपनी इस कार्य से इन्होंने उत्तर पश्चिम की सीमा को आपका सेव कर लिया रोहतासगढ़ के किले के माध्यम से। फिर इन्होंने आंतरिक क्षेत्र में अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाया, तो वो कौन थे, शेरशाह सूरी 1541 में। देन 1542 में इन्होंने पहला आक्रमण जो किया मालवा पे किया। मालवा पे इन्होंने आक्रमण किया और मालवा को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया। फिर बात करते हैं 1543 की, तो 1543 में इन्होंने रायसीन पर अटैक किया। रायसीन में उस समय शासक थे आपका पूरणमल, जो इनसे आपका हार जाते हैं। फिर बात आती है 1544 की, मारवाड़ राजस्थान का क्षेत्र था मारवाड़, उस समय वहाँ के शासक होते हैं कौन, मालदेव। तो मालदेव उस समय शासक होते जब इन्होंने आपका आक्रमण किया। पहली बार शेरशाह सूरी जो थे वो आपका राजपूतों से, उनकी शौर्यता से, उनकी वीरता से परिचित हुए, और इन्होंने जब देखा तो इन्होंने बोला था कि मैं दो मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा का पूरा हिंदुस्तान दाव पे लगा दिया। तो ये उनके कुछ वक्तव्य थे जो इन्होंने अपने इसके माध्यम से बताया। फिर बात आती है 1545 कालिंजर का अभियान। कालिंजर के अभियान को उनका अंतिम अभियान भी कहा जाता है आपका। ये क्वेश्चंस बनते हैं आपका कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो वो था आपका कालिंजर। यहाँ पे आपके कीरत सिंह होते हैं वहाँ के शासक आपका। तो उसी समय 1545 में जब इन्होंने कालिंजर पर आक्रमण किया, उसी समय इनकी मृत्यु भी होती है। इनकी मृत्यु होती है 1545 में। उक्का नामक एक अग्नि शस्त्र कहा जाता है शब्द बेदी बाण के थ्रू इनका क्या होता है, आपकी मौत हो जाती है। तो वो उस समय कौन सा अग्नि शस्त्र चला रहे थे, उक्का नामक। तो इस तरीके से इनकी आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था उनका क्या, व्यवस्था सुधारक के रूप में। पहली रूप से हमने इनको जो सिद्ध किया है वो है एज अ साम्राज्य विस्तारक के रूप में। तो फर्स्टली बताएंगे कि इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा को अच्छे से सुसंगठित करने के लिए रोहतासगढ़ का किला बनाया, फिर पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाया, देन 1542 में मालवा पे आक्रमण किया, फिर 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया, 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया, और अंतिम आक्रमण उनका रहता है आपका कालिंजर पे। और इस तरीके से इनका ये साम्राज्य विस्तार हुआ। आगे बात करते हैं हम शेरशाह सूरी को दूसरे रूप से सिद्ध करने में, तो वो है आपका क्या, मुद्रा सुधारक के रूप में। करेंसी रिफॉर्म में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चंस कि शेरशाह सूरी ने अपने समय कौन सी दो मुद्राओं का प्रचलन किया। तो यहाँ पे हम देखें तो मुद्रा सुधारक के रूप में इन्होंने चांदी का रुपया और तांबे का दाम स्टार्ट किया था। तो ये उनके आपके क्या हो जाएंगे, मुद्रा सुधारक के रूप में। तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम। फिर थर्ड अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने एज अ शासक न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए, तो न्याय व्यवस्था के सुधार के रूप में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने तीन प्रकार के यहाँ पे क्या करे, इन्होंने अपने लोगों को नियुक्ति किया। जैसे इनके सामने उस समय आपकी तीन प्रकार की चुनौतियाँ आती थी, जैसे कि फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस,
कुछ असैनिक मामले होते थे और कुछ होते थे लगान संबंधी मामले। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने आपका ये कार्य किया। फर्स्टली लगान, लगान एक लैंड टैक्स या भूमि कर हुआ करता था, तो लगान से संबंधित मामलों को देखने के लिए उन्होंने मुंसिफ नामक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया। तो लगान से संबंधित मामले मुंसिफ के द्वारा आपका देखा जाता था। फिर बात करते हैं हम किनका, फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस के लिए इन्होंने शिकदार ए दरान को नियुक्त किया था। तो फौजदारी या क्रिमिनल केसेस को शिकदार ए दरान द्वारा आपका देखा जाता था। फिर आता है आपका कौन सा, असैनिक मामले। तो असैनिक मामलों को काजी को नियुक्त किया गया था, जो आपका असैनिक मामलों को देखा करते थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी न्याय व्यवस्था को कितनी पारदर्शिता के साथ और एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अपने यहाँ पे ये कार्य किया। तो मुंसिफ याद रखेंगे लगान के जो मामले देखा करते थे, शिकदार को बात करें तो वो फौजदारी मामलों को देखा करते थे, और काजी जो होते थे वो असैन्य मामलों को यहाँ पे देखा करते थे। इसके अलावा इनके कुछ और कार्य हैं। इन्होंने एज अ रूलर और कार्य क्या किए, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को एकीकृत करने के लिए या साम्राज्य के एकीकरण के लिए इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराने वाले कौन थे यहाँ पे, तो वो होते हैं कौन आपका, शेरशाह सूरी। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि इन्होंने रोहतासगढ़ का किला तो बनाया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, कन्नौज में अपने ही नाम पे शेरसूर नामक एक नगर की स्थापना की। साथ ही इनके समय की जो डाक व्यवस्था थी, वो उस समय इनकी जो डाक व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में मानी गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, फिर कैसे करेंसी में रिफॉर्म किया, फिर कैसे जुडिशियल रिफॉर्म किया, देन उसके बाद इन्होंने अन्य कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क किए जो इस तरीके से हमारे आपके सामने आते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके कार्य क्या थे।